बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, ये आज भी जांच का विषय बना हुआ है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बंग बचाओ आंदोलन के कारण बंगाल आज भी बचा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। एक विधान एक निशान आंदोलन के नायक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें देश भर में याद किया जा रहा है। 23 जून 1953 को श्रीनगर की जेल में रहस्यमय हालात में उनकी मौत हो गई थी। मुखर्जी हमेशा देश में एक विधान एक निशान और एक प्रधान की वकालत करते थे। इसी कड़ी में मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपाई विजयनगर चौराहा स्थित मुखर्जी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इसमें संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे शामिल रहे। स्वतंत्र भारत में अगर देश की अखंडता अस्मिता के लिए किसी ने सबसे पहला बलिदान दिया है तो आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है। एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे, इस नारे को अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व और गौरव का विषय है कि उनके इस प्रण को उनके इस लक्ष्य को अगर पूरा करने का किसी ने काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। जिस कश्मीर के बारे में ये कहा जाता था कि धारा 370 और 35 है जैसी काली धाराएं कभी नहीं हटेंगी, उसको हटा के पूरे भारत को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी की इच्छा शक्ति ने। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा देश में एक विधान एक निशान और एक प्रधान के पक्षधर थे। जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए उनके बलिदान को कोई नहीं भुला सकता। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ की और जनसंघ के जमाने से ही हमारा संकल्प था कि हमारी पार्टी देश के लिए कुर्सी के लिए नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बस हमने हमेशा देश हित के निर्णय लिए, वोट की चिंता नहीं की, कुर्सी की चिंता नहीं की। और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि इस देश से धारा 370 समाप्त होना, इस देश से CAA कानून लागू होना, इस देश में 3 तलाक समाप्त करना, ये सब कदम जो बड़े कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं ये देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, वोट की राजनीति के लिए नहीं। और आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण का दिन, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर की जेलों में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी और धारा 370 हटाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने किन परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो आज भी जांच का विषय है। आपको बता दें, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनपुर में ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें 44 दिन जेल में रखा गया और 23 जून 1953 को उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आज जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया तो उन्हें बीजेपी द्वारा याद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।